मूवी की शुरुआत में हमें एलेक्स नाम का एक 14 साल का लड़का दिखाया जाता है जो अपनी माँ के साथ रहता है क्योंकि उसके माता पिता अलग हो चुके थे। एलेक्स स्कूल के लिए लेट हो रहा था, इसीलिए उसकी मॉम उसे उठाकर स्कूल भेजती है। लेकिन स्कूल में भी एलेक्स का मन नहीं लगता और टीचर भी उस पर गुस्सा करती है, इसीलिए एलेक्स अपने दोस्तों के साथ गार्डन में आ जाता है। ये लोग बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ से तीन खूबसूरत लड़कियाँ गुजरती हैं और इनकी नज़र उन लड़कियों पर पड़ती है। उनमें से एक लड़की एलेक्स को बेहद पसंद भी आती है, इसलिए वो अपने फ्रेंड्स के साथ उन्हें फॉलो करते हुए सुपरमार्केट पहुंच जाता है। वो लोग चिल करने के लिए कुछ बियर की बोतल लेकर बाहर आते हैं, तब वो देखते हैं कि कुछ बड़े बदमाश लड़के उन लड़कियों के साथ मस्ती कर रहे हैं जो उन्हीं के अपार्टमेंट के थे। फिर वो तीनों लड़कियाँ उन लड़कों के साथ चली जाती हैं। एलेक्स और उसके दोस्त भी उन लोगों को फॉलो करते हैं। वहाँ पहुँच कर एलेक्स उस लड़की का अपने फ़ोन से वीडियो बना लेता है जिसे उसे फर्स्ट लव हो गया था। एलेक्स यहाँ से घर लौटकर सोशल मीडिया पर उसे सर्च करता है तो उसे उस लड़की की प्रोफाइल मिल जाती है जिसका नाम वीका होता है। एलेक्स वीका के सारे फ़ोटो डाउनलोड कर लेता है। अब अगले दिन एलेक्स वीका को फॉलो करते हुए उसके अपार्टमेंट पहुंचता है, लेकिन वहां उसे वही बदमाश लड़के बैठे दिखाई देते हैं। वो लड़के भी उसे देख लेते हैं, लेकिन एलेक्स उनसे पिटना नहीं चाहता था, इसीलिए वो जल्दी से वहां से निकल जाता है। लेकिन एलेक्स पर प्यार का भूत सवार हो चुका था, इसीलिए वो घर आकर मिरर में प्रपोज करने की प्रैक्टिस कर रहा था और अगले दिन फिर से वीका के अपार्टमेंट जाता है और उन बदमाश लड़कों को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए अपने दोस्तों को भी साथ ले जाता है। वहाँ वो लाउड म्यूजिक बजाकर उन्हें डिस्ट्रैक्ट करते हैं और एलेक्स अपार्टमेंट पहुंचकर वीका का वेट करने लगता है। पर जब वीका आती है तो एलेक्स घबरा जाता है और कुछ बोल नहीं पाता। इसके बाद वो घर जाकर फिर से वीका की प्रोफाइल चेक करने लगता है, जिससे उसे पता चलता है कि वीका जिस अपार्टमेंट में रहती है वहाँ हर फ्राइडे पार्टी होती है। और अगले फ्राइडे एलेक्स अपने फ्रेंड के साथ उस पार्टी में पहुंच जाता है और मौका देखकर एलेक्स थोड़ी हिम्मत करके वीका से डांस करने के लिए पूछता है, तो वीका भी मना नहीं कर पाती और वो उसके साथ डांस करने लग जाती है। लेकिन हेजिटेशन की वजह से वो एक दूसरे की तरफ नहीं देख पा रहे थे और डांस के कुछ देर बाद एलेक्स को उसका फ्रेंड दिखाई नहीं देता। इतने में वीका की फ्रेंड एलेक्स के पास आती है और उसे बताती है कि वीका उससे अकेले में मिलना चाहती है। एलेक्स खुश होकर उसकी बातों में आ जाता है और उसके साथ चल पड़ता है। वहाँ पहुँचने पर वो देखता है कि उन बदमाश लड़कों ने उसके फ्रेंड की जमकर पिटाई की है। तभी वो वीका को भी देखता है और उसका दिल चूर चूर हो जाता है। एलेक्स समझ जाता है कि वीका ने जानबूझकर उन्हें यहाँ बुलाया है और तभी वो लड़के एलेक्स की भी पिटाई कर देते हैं। इस बात का एलेक्स को बहुत बुरा लगता है। वो घर आकर वीका की सारी फ़ोटोज़ डिलीट कर देता है। एलेक्स वीका को अपने दिल से निकाल पाता इससे पहले वीका अपने फ्रेंड्स के साथ एलेक्स के अपार्टमेंट पहुंच जाती है, पर एलेक्स उनसे मिलना नहीं चाहता, इसीलिए वो अपने फ्रेंड को उनसे बात करने के लिए भेज देता है, जिसे वीका की फ्रेंड एक लेटर देती है जिसमें वीका ने उनकी पिटाई के लिए सॉरी बोला था। इसी के साथ वीका की फ्रेंड उसे बताती है कि उस रात बदमाश लड़कों ने उनसे डील की थी, अगर हम तुम दोनों को उनके हवाले करेंगे तो वो हमें कभी भी परेशान नहीं करेंगे। और फिर उनके जाने के बाद एलेक्स लेटर पढ़ता है तो उसकी गलतफहमी दूर हो जाती है और जब वो लेटर पर वीका का नंबर देखता है तो खुशी से उछलता है। इसके बाद एलेक्स अपने फ्रेंड को लेकर वीका और उसकी फ्रेंड के साथ घूमने जाता है जहां ये काफ़ी मस्ती करते हैं। फिर एक दिन वीका एलेक्स को अपने घर ले जाती है और एलेक्स को अपने पेरेंट्स से मिलवाती है। फिर वीका एलेक्स को अपने रूम दिखाती है। रूम में काफ़ी देर बातें करने के बाद जब वीका उसे घर के बाहर छोड़ने जाती है तो वो दोनों पहली बार किस करते हैं। ये मूवमेंट दोनों के लिए काफ़ी खास था। लेकिन जब एलेक्स वहाँ से घर जाने लगता है तो रास्ते में उसे वहीं बदमाश लड़के मिलते हैं। उन्हें देखकर एलेक्स वहाँ से भागने की कोशिश करता है पर वो लड़के उसे पकड़ लेते हैं। तभी वहाँ पुलिस आ जाती है और एलेक्स से पूछती है, उसे कोई प्रॉब्लम तो नहीं? एलेक्स पुलिस को मना कर देता है और पुलिस के वहाँ से जाने के बाद वो लड़के भी एलेक्स को छोड़ देते हैं। फिर कुछ दिनों बाद वीका एलेक्स से मिलने उसके घर आने वाली थी, इसीलिए एलेक्स अपने कमरे की सफाई करता है और मीका भी तैयार होकर एलेक्स के घर आ जाती है। फिर दोनों काफ़ी सारी बातें करते हैं और उसके बाद एलेक्स एक रोमांटिक म्यूज़िक लगाता है और दोनों डांस करने लगते हैं। डांस करते करते वो दोनों बेहद क्लोज आ जाते हैं और फाइनली इंटीमेट भी हो जाते हैं।
लेकिन अगली सुबह एलेक्स की मॉम विका का लेडीज बैग सोफे पर पड़ा देखती है तो उसे समझ नहीं आता कि ये बैग किसका है और यहाँ कैसे आया। उसे एलेक्स पर शक होता है तो वो उसके रूम का दरवाज़ा खोलकर देखती है तो उसे विका और एलेक्स बिना कपड़ों के एक साथ सोए हुए दिखाई देते हैं। तभी विका की आंखें खुल जाती हैं और ये देखकर एलेक्स की मॉम वहां से चली जाती है। पर मीका ने एलेक्स की मॉम को देख लिया था। वो जल्दी से उठकर अपने कपड़े पहनती है और एलेक्स को उठाकर इसके बारे में बताती है। एलेक्स अपने रूम से निकलकर बालकनी से देखता है कि उसकी मॉम कहीं जा रही थी। जाने से पहले उसकी मॉम ने उसके लिए एक स्वेटर वहां रख दिया था जिसे पहनकर वो विका को दिखाता है। फिर विका उसे पूछती है कि क्या सब ठीक है, तो एलेक्स हाँ में जवाब देता है और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। सो गाइस, अगर मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और आगे ऐसी ही एक्सप्लेनेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।